जो आर साथी हो, तो आज हम बात करेंगे कि आदिवासी पीला गमछा क्यों रखते हैं। अगर आप नहीं जानते तो चलिए इस चीज को आज हम समझते हैं। अगर आप एक सच्चे आदिवासी भाई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। जैसे जैसे साक्षरता बढ़ रही है उसी तरह आदिवासी अपने पुराने रीति रिवाज और अपनी संस्कृति को पहचान रहे हैं। आदिवासी अपने रहन सहन और पहनावे की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इसी के चलते गोंड समाज के सुप्रसिद्ध पीले गमछे का बहुत सीधा और सरल महत्व है। साथियों, आदिवासियों की ऐसी मान्यता है कि पीला गमछा उनकी शान है। कहा जाता है कि आदिवासी के पूर्वज सफ़ेद धोती और पीला गमछा धारण करते थे और पीला गमछा और सफ़ेद वस्त्र आदिवासियों की मातृशक्ति और पितृशक्ति का संयोग है, जिस वजह से ये अपनी मान्यता के हिसाब से पीला गमछा धारण करते हैं। और साथियों, आपको बता दूं कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं और प्रकृति के हिसाब से अपने जीवन चक्र को चलाते हैं। जिस तरह पतझड़ के पहले पेड़ों में पत्ते पीले होकर पेड़ों से गिर जाते हैं, उसी तरह जब माता अपने बच्चे को पहला दूध स्तनपान कराती है तो उसका दूध पीले रंग का निकलता है। इसमें ये मान्यता है कि प्रकृति के किसी भी चीज़ का जन्म या मरण हो उसका संबंध पीले रंग से है। और मैंने पहले ही आपको ये बताया है कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं, ये अपने हिसाब से अपनी जीवनी को चलाते हैं। इन्हीं सब पुरानी मान्यताओं की वजह से आदिवासी पीला गमछा रखते हैं। और साथियों, पीला गमछा आदिवासी समुदाय की पहचान है, जिससे आप भी पीला गमछा देखकर पहचान सकते हैं कि आदिवासी समुदाय से है। आज के वीडियो में बस इतना ही। शिवा जोहार साथ।